वहीं कोलकाता के मेटिया ब्रिज में बड़ा हादसा हुआ है। यहां 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा कि अभी 5 से 6 लोग अभी अंदर फंसे हैं, उन्हें भी जल्द निकाल लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि सीएम ने माना कि इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा था। राज्य प्रशासन की ओर से इमारत को बनाने की आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई थी। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। जो लोग भी इस इमारत को बनाने में गैर कानूनी रूप से शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। राज्य सरकार मृतकों और घायलों को परिजनों की सहायता करेगी। आसपास के लोगों के मकानों को भी इस बिल्डिंग की वजह से क्षति पहुँची है। तो गैर कानूनी तरीके से जो बिल्डिंग है इसका निर्माण किया जा रहा था, जिस वजह से जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हुई, और आसपास की जो वहाँ पे जो इमारतें हैं उसमें भी नुकसान हुआ है। हालांकि हादसे की जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। 2 आदमी डेथ है, 13 में उद्धार हुआ है, 2 आदमी डेथ डेथ हुआ, उन लोग का 5 लाख रुपया देगा। जो लोग इंजुरी है उन लोग का 1 लाख रुपया देगा। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रसेंजीत जुड़ चुके हैं कोलकाता से। प्रसेंजीत, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं गैरकानूनी रूप से जो इमारत है उस पर काम किया जा रहा था, और जब हादसा हो जाता है तो कार्रवाई की बात कही जा रही है। मुकुल, इसमें सिर्फ इंसिडेंट के हिसाब से मत देखिए जी, ये देखना चाहिए कि ये हुआ कहाँ पे है। हुआ मेटिया ब्रिज में है, और दूसरी बात है वहां रहते कौन है, उनका क्या धार्मिक स्थिति है। और हमारे पास अगर हो सके तो ममता बनर्जी जब वहां पे पहुंची है उनका अगर फुटेज हम दिखा पाए तो दिखा सकते हैं कि एक इंसिडेंट को इंसिडेंट के बारे में जायजा लेने के लिए जब उन्होंने पहुंची तो उनके सर पे वो काला कपड़ा बंधा हुआ है, जो जरूरी नहीं था कि वहां पे किसी इंसिडेंट के मौके पर लोगों को सांत्वना देने के लिए पहुंचने के लिए ये धार्मिक स्टाइल पे काला कपड़ा बांधा जाए, ये समझना जरूरी है जी। ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं है, इसमें इसके अंदर जो पॉलिटिक्स छुपे हुए हैं। ये जो जगह है वो जो कोलकाता की मेयर है फिराद हाकिम की जगह है, ये वो जगह है जहां पे कानूनी तौर पर कोई कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं जाता है, हर एक कंस्ट्रक्शन इलीगल है। और वहां पे जब मुख्यमंत्री पहुंचती है वो तो काला कपड़ा बांध के पहुंचती है, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ इंसिडेंट नहीं है मुकुल जी। प्रसन्नजीत, यानी इतने संवेदनशील मामले में भी राजनीति करने से शायद वो पीछे नहीं रही हैं, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है कि 5 से 7 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ये उनका कहना है। अगर ऐसा ही है तो एनडीआरएफ के लोगों ने ये जी बिल्कुल ये देखिए जो फुटेज दिखा रहा है सर जी, काला कपड़ा बना हुआ है जी। प्रसन्नजीत, वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ममता बनर्जी हैं जब उस जगह पहुंचती हैं तो सर पर जो काला कपड़ा है वो देखा जा सकता है, जो कहीं ना कहीं इतने संवेदनशील मामले में भी जो राजनीति है उसको ठुकराया नहीं जा सकता जी। प्रसन्नजीत, तो अगर उनका उनका ये बात माना जाए कि 5 से 7 लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, तो इसका जो जो रेस्क्यू ऑपरेशन जी, हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी लगातार जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जो पूरा हादसा सामने आया है और उसके बाद जायज बात है जी। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि जो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह से इसको राजनीति की नजर से देखा जा रहा है, और ये जो जगह है कोलकाता की, ये फिर से वो 30% जो संदेश थाली से लेकर यहाँ तक मैं 30% की बात फाड़ फाड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोगों को, पूरे देश को, कि ये सिर्फ 30%, उसमें 2 लोग मरे हैं, उनको 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, ये कोई क्रम, ये 5 लाख भी, ये 5 लाख भी एक कहानी है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाता है परिवारों को, यहाँ पे 5 लाख हो गया है। तो ये सबको राजनीति से जोड़ना, ये हमारी हो सकता है कि एक गलत इरादा है, लेकिन जो अगर क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़ा ऐलान है वो यहाँ कर दिया गया है। 2 लाख को 5 लाख करना, सर पे कपड़ा बांध के जाना, और मैं बता रहा हूँ कोलकाता की आपको समझना चाह रहा है, अगर भूगोल समझते हैं तो ये मेटिया ब्रिज, खिदिरपुर, इकबालपुर,
जी बिनिया पुकुर, ये जो जगह है, जो जगह बिल्कुल के लोग रहते हैं जी, वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन लीगल नहीं होता है, सारे के सारे कंस्ट्रक्शन इलीगल होते हैं। और किस तरह से ये इलीगल होने दिया जाता है, इसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं मैं मुकुल क्या कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत आपका। तो देखिए किस तरीके से निर्माणाधीन इमारत जो है उसमें हादसा होता है, दो लोगों के आने जाने की सूचना मिलती है, लेकिन उसके बाद वहाँ मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी वो पहुँचती